बुरा बोल रहे हैं। जो है वो इकट्ठे करता जाएगा लिफाफे में, चाहे चार लिफाफे, चार टाइम होंगे, चार लिफाफे करके बंद करके उसको क्लियर करके राउंड वन लेके ट्रंक अपने को लिए फिर ये ना ट्रंक की ट्रेन नीचे ले जाना बाद में। नहीं नहीं उसका इस्लाम पूर्व से जब होगा आपने चेक कर लेना है। वो कौन चेक करवाएगा सर हमें बताएं। आपने वो रिपोर्ट है, अब किसी ने अंगूठा लगाया है, नाम लिखा है, ये किया, वो चेक होगा। और दूसरा एक चीज ये है कि जो रिजेक्शन की मतलब जो कोई डिस्प्यूट है ना उसकी फाइनल अथॉरिटी आप हो, आरोप आपने ये नहीं कहना कि डीसी देखेगा, फलाना देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, ठीक है, रिजेक्टेड है, जो भी है, किसी को डाउट है जो है वो अपील करे जहां मर्जी जाए, ये मेरा डिसीजन है। सर वो रिजेक्शन वाली स्टैंप भी हमें दे दे तो हम लगा देंगे। मेरे तीन है सर। तो आपके तीन मंडल बनेंगे, चौथा मंडल बनेगा रिजेक्ट वाले का, ठीक है, चौथा बनेगा रिजेक्ट वाले का, आपको वो बनेगा भी। उसके बाद 20 सेकंड को जो है वो काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग की अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए जो है आज की मीटिंग रखी थी, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, आरओस, एआरओस और दूसरे जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं उनकी मीटिंग रखी थी और उसको रिव्यू किया गया। इस सिलसिले में हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो दो जगह इस्टेब्लिश हुए हैं, पीजी कॉलेज राजौरी में और गुजर हॉस्टल राजौरी में। पीजी कॉलेज राजौरी में हमारी 8 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, सिक्स कंस्टिट्यूएंसीज हैं और गुजर हॉस्टल में 8 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। और इनके जो काउंटिंग है वो सेम जगहों पर होंगी, यहाँ पे हमने काउंटिंग हॉल जो है वो एस्टेब्लिश कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से काउंटिंग के मतलब जो भी हदायत जो हैं वो जारी की गई थी उनको आरओस, एआरओस और दूसरे स्टाफ के साथ शेयर किया गया, इनको ट्रेनिंग दी गई और ये आज ये कंप्लीट हुआ। ट्रेनिंग में जो अभी हमारी एक डिग्री कॉलेज में चल रही है, जो स्टाफ इसमें एंगेज किया गया है काउंटिंग के लिए, उनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है रेंडमाइजेशन के बाद, और ये स्टाफ जो है डिप्लाई होगा काउंटिंग के लिए। काउंटिंग जो है 22 तारीख को सुबह 9 बजे शुरू होगी। दो मीडिया सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए हैं, एक ITI राजौरी में और एक जो है वो PG कॉलेज राजौरी में, जिससे लोगों को वहाँ से जानकारी दी जाएगी। सर सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे दोनों जगह पर? दोनों जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज रहेगी, वही जो अथोराइज पर्सन से हैं वही अंदर जो है वो काउंटिंग जो आता है उसमें उन्हीं को जो परमिशन होगी आने की, बाकी वाले लोग जो है अंदर नहीं आ पाएंगे। और जो भी हदायतें इसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन की उनको फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर कुछ कैंडिडेट द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कल रिगिंग हुई है, क्या रीपोलिंग का भी वहाँ पर प्रस्ताव किया गया है क्या? हमारे पास कल शाम को कोई 6:30 बजे के आसपास एक रिप्रेजेंटेशन आई थी धराल वाली कंस्टिट्यूएंसी से, तो इमीडिएटली उसको आरओ को रेफर किया गया था इंक्वायरी के लिए। आरओ ने रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, उसको एक्सपाइंड करके कमीशन को भेज दिया जाएगा और कमीशन जो उस पर फैसला लेता है उसी तरह से अमल किया जाएगा। थैंक यू।